आज मैं आपको चने की भाजी का दरभजिया बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टी होती है। ये ठंड के दिनों में ही मिलती है चने की भाजी। एक कटोरी तुअर दाल कुकर में ले ले, अच्छे से धो लेंगे। अब हम सीटी करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा तैयार है दाल पक्के। इसे निकाल लेंगे। अगर पानी कम हो तो गर्म पानी इसमें डाल देंगे ताकि गोटा ना हो। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम चने की भाजी लिए है, इसमें पानी डालेंगे। अब इसे भी ऊपर ऊपर से उठा के धो के कुकर में डाल देंगे। देखिए अब हम जो लिए है थे दाल पके हुए, उसको डाल देंगे कुकर में। देखिए और पानी डाल के जितना पानी उसमें लग सके उतना डालेंगे और फिर कुकर में सीटी करने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए हमारे दोनों रेडी है। चने की भाजी भी पक गई है उसी में। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि दाल और चना मिक्स हो जाए एक साथ। अब हम कढ़ाई में तेल रखेंगे। तेल गर्म होने के लिए छोड़ देंगे 2-3 मिनट तक। अब इसमें जीरा डाल दिए, लहसुन, हरी मिर्च 3-4 कटी हुई। अब टमाटर डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी और अच्छे से इसे मिक्स करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें जो दाल पकाए थे भाजी के साथ उसमें पूरा डाल देंगे। इसे मिला लेंगे अच्छी तरह। इसमें गेहूं के आटा डाल देंगे ताकि ये गाढ़ा हो सके थोड़ा सा। अब इसे थोड़ा ढक देंगे 2-3 मिनट तक, मिलाएंगे नहीं। अब खोलेंगे तब जाके हम उसे अच्छे से मिलाएंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। देखिए फिर मिला देंगे एक बार और अब इसे ढककर छोड़ देंगे 2-3 मिनट तक। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे तो हमारा दरभजिया रेडी है उबल के। देखिए आप ज़रूर बनाएं इस दरभजिया को, बहुत टेस्टी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।